आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। रिजदी चौक स्थित घर के किचन प्लेटफॉर्म पर बैठा मिला 4 फीट लंबा विषैला कोबरा सांप RCRS संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव द्वारा किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। बता दें कि शहर के रिजदी चौक स्थित एक घर में तब डर से कांप उठे लोग जब रात के अंधेरे में किचन में जा घुसा विषैला कोबरा सांप। किचन में काम करने गई महिला के होश उड़ गए जब किचन प्लेटफॉर्म में उसने विषैले कोबरा सांप को देखा और परिवार के मुखिया द्वारा बिना किसी देरी के इस घटना की सूचना RCRS संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव को दिया गया। वहीं अविनाश यादव के द्वारा देरी ना करते हुए मौके पर पहुंचकर देखा गया कि किचन प्लेटफॉर्म में एक 4 फीट लंबा विषैला कोबरा सांप डब्बों के बीच में बैठा हुआ है। अविनाश यादव ने घर के सदस्यों को सांप के बारे में सही जानकारी देते हुए बताया कि यह एक विषैला कोबरा सांप है और ऐसे विषैले सांप को देखने के बाद हमें किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद अविनाश यादव के द्वारा परिवार के सदस्यों को दूर करते हुए सांप को सुरक्षा के साथ रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं घर के मुखिया ने बताया कि रात के अंधेरे का फायदा उठा के सांप घर के अंदर घुस आया था। किचन में काम करने गई महिला के देखने के बाद उन्हें यह पता चला कि घर के किचन में एक विषैला कोबरा सांप मौजूद है जिसे लोकल भाषा में गहुआ या डोमी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने किसी तरह की जोखिम न उठाते हुए इसकी सूचना सर्वमित्र RCRS संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव को दिए। अविनाश यादव के द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरी सुरक्षा के साथ सांप को रेस्क्यू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।